दीपोत्सव के लिए सजाई जाएगी अयोध्या नगरी। रंग बिरंगे लाइटों से जगमगाएंगे अयोध्या के मठ और मंदिर। रंग बिरंगे लाइटों से जगमगाएंगे अयोध्या के मठ मंदिर। रामपथ और धर्मपथ पर होगी विशेष लाइटिंग की व्यवस्था। आधुनिक लाइटों से मंदिर के तर्ज पर सजेगा अयोध्या का मुख्य मार्ग। दीपोत्सव पर लाइटिंग की तैयारियों को लेकर शुरू हुआ कार्य। लखनऊ के ताज रेडियो कंपनी के बिल्डरों अयोध्या में डाला डेरा। रेडियो कंपनी के बिल्डरों ने अयोध्या में डाला डेरा। बता दें कि लोहे के रॉड पर बनाया जा रहा है मंदिर नुमा द्वार। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, दीपोत्सव से पहले जो है तमाम जो लाइट्स का काम है वो पूरा किए जाने की बात सामने आ रही है और दीपोत्सव को अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, तो क्या लगता है कि तब उससे पहले ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा? जी अंधिका जी, बताना चाहेंगे दीप महोत्सव से पहले पूरी प्रक्रिया यहाँ पे पूरी की जाएगी, क्योंकि अब की दीप महोत्सव अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जाएगी और अब की जो है 24 लाख दीपक लगभग जल रहे हैं, ये बार कीजिएगा 30 लाख जलेगी, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है पूरे अयोध्या वासी जो अपने घर पे भी दीप जलाएंगे, जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना जलाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी अब की जो है दीप महोत्सव। और जैसे जैसे प्राण ये दीप महोत्सव नजदीक आता जा रहा है, यहाँ पे तैयारियां तेजी से की जा रही है। यहाँ पे जितने कानों गेट बनाने का कार्य चालू हो चुका है, जितना कार्य घाट की सफाई चालू हो गई है, क्योंकि अबकी रेंज भी बहुत बढ़ा दी गई है घाटों की। बिल्कुल, अगर आरपी सिंह देखा जाए तो दीप महोत्सव को कुछ ही समय बाकी रह गया है। लाइट्स की बात तो सामने आ रही है कि अब लाइटिंग जो है वो की जाएगी अयोध्या में, साथ ही इसके अलावा अन्य भी कोई ऐसी चीज है जिनकी तैयारियां की जाएंगी दीप महोत्सव से पहले? जी आपको बताया, चाहे राम पथ हो चाहे भक्त पथ हो, सब पे जो है लाइटें लगाई जाएंगी, व्यवस्था की जाएंगी, और यहाँ की जो जनता है पहले से ही अपना अपना घर जितने चीजें हैं पहले से रंगाई पुताई कर रही है कि दीप महोत्सव। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दीप महोत्सव से पहले ही जनता जो है तमाम तैयारियां कर रही है, और साथ ही 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि दीप महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जहां पर रंग बिरंगी लाइटों से भी अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर हैं उन्हें सजाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, और साथ ही विशेष लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो रामपथ और धर्मपथ पर की जाने की बात सामने आ रही है, और साथ ही आधुनिक लाइटों से मंदिर के तर्ज पर अयोध्या का जो मुख्य द्वार है वो बनाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में मुख्य द्वार जो है वो राम मंदिर के तर्ज पर लोहे के रॉड से जो है वो तैयार किया जाएगा। दीप महोत्सव से पहले तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जहां पर एक रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा कई लाख दीयों के जलाने का, साथ ही पूरी अयोध्या नगरी को लाइटों से जगमगाने का जो काम है वो भी तेजी से किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, जिसमें आज बता दें कि साथ ही आज अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, 3:35 करीब अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनका ये 2 दिवसीय दौरा है जहां पर वो दीप महोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा की जितनी भी तमाम तैयारियां हैं उनको लेकर जायजा लेंगे, कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, और तमाम जितनी भी तैयारियां हैं फिर वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर के हो या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए उसकी तमाम जो तैयारियां है वो देखेंगे, और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की ये जो बैठक है वो देर रात तक चलेगी। वहीं अगर अगले दिन की बात करें तो अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर श्री राम की जो कुलदेवी हैं उनके दर्शन के लिए जाएंगे। तो बता दें कि 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक होनी है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाना है। भूतल और राम मंदिर के भूतल और प्रथम तल के निर्माण कार्यों का जायजा भी इस बैठक में लिया जाएगा, जिसमें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी इस बैठक में मौजूद होंगे। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर इस बैठक में मंथन भी किया जाएगा। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिससे पहले
तमाम जो है आए दिन अयोध्या में बैठकें होती रहती हैं, जिसमें राम मंदिर निर्माण समिति के लोग भी शामिल होते हैं। साथ ही इस बैठक में शामिल होने के लिए आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और वो दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर आज वो बैठक में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया जाएगा और साथ ही राम मंदिर के भूतल और प्रथम तल के निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया जाएगा। बता दें कि आज राम मंदिर के भूतल और प्रथम तल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाएगा, साथ ही दो दिवसीय बैठक होनी है राम मंदिर निर्माण समिति की, जिसमें कि शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे। बता दें कि शाम करीब 3:35 के आसपास मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो 3:45 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे।